अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम लोग यहाँ पे बात करने लगे हैं इनवॉइसेस वाले अकाउंट के ऊपर, जिसके ऊपर अमेज़न अकाउंट एक्टिवेट कर दे और आपको इनवॉइसेस रिक्वायर हो। देखो यहाँ पे ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, यहाँ पे सबमिशंस बहुत की थी बट ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक तो पहली चीज़ आपको ये भी कन्फर्म कर दूँ कि जो अमेज़न रिक्वायर करता है वो दे दो, और अगर आपका लेजिट है तो अमेज़न अकाउंट खोलता है। अगर आपका लेजिट नहीं है तो हमारी भी कोशिश होती है कि क्लाइंट को हम बता दें कि आपका ये डॉक्यूमेंट लेजिट नहीं है, बट हम फिर भी ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि इनवॉइसेस कैसे तैयार हुई हुई थी। यहाँ पे देखो ये अकाउंट है, डीएक्टिवेटेड है, इसमें कितना बैलेंस है, 4924 डॉलर बैलेंस है। ये आगे हेल्थ में हेल्थ देख लो, यहाँ पे वॉलेशन 3-4 है, 5-6 वॉलेशन है, इसका इशू नहीं होता, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देखो ये सबमिशन मैंने की हुई है, ठीक सॉरी ये यहाँ पे सबमिशन मैंने की हुई है जिसमें सप्लायर की मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अथेंटिक सप्लायर की इन्वॉइस दी है विद एसेंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ अमेज़न रिक्वायर क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे भी आ जाए, ये अमेज़न का है और यहाँ पे मैं आपको परफॉर्म नोटिफिकेशन के अंदर ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ कि अमेज़न ने रिक्वायर क्या किया हुआ बेसिक। तो अमेज़न बेसिकली यहाँ पे अपील्स इन्वॉइसेस मांग रहा है। क्या हुआ था कि इन्होंने इन्वॉइसेस ली ABW की एक वेबसाइट है, एशियन वीडियो होलसेल, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बताया हुआ, अपना शॉर्ट्स के अंदर भी और वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है। तो उस वेबसाइट से इन्होंने चीज़ परचेज की और उसकी इन्वाइसेज जी हमारे पास दो थी, एक ये इन्वाइस है और एक ये इन्वाइस है, दो एसेंस की इन्वाइस थी। अब इनसे क्या गलती होगी कि जो एक प्रोडक्ट थी उसकी उन्होंने फेक जो है डबल लिस्टिंग कर दी थी, ठीक है। अब अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रिमूवल प्रोडक्ट्स आ गई। ये देखो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे अमेजोन क्या रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे उसने एसेंस वगैरह भी हमें दिए हुए कि एसेंस से आपने जो है ये वाले एसेंस की आपने हमें प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन। तो अब होता ये है कि आपने ये देखो यहाँ पे उसने तीन एसेंस बताए हैं। अब ये जो इसमें दो पहले एसेंस हैं ये इन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट की थी डिफरेंट डिफरेंट जो ABW की वेबसाइट से लिया था। अब हमने क्या किया कि अब वो अमेज़न हमसे थर्ड एसेंस की भी इन्वाइस मांग रहा है, हालांकि इन्होंने गलत लिस्टिंग कर दी थी, इन्होंने साथ ही बाद में डिलीट कर दी थी, मगर अमेज़न के रिकॉर्ड में आ गया कि इसकी इन्होंने फेक या आप कह लो कि डबल लिस्टिंग कर दी थी। तो इन्होंने दोबारा लिस्टिंग की है तो अमेज़न ने इनका अकाउंट डीएक्टिवेट किया और इनसे जो है इसकी इन्वाइस मांग ली। अभी भी इनके जो है आई थिंक यहाँ पे 87 पेंडिंग रिक्वेस्ट है और इनकी कुछ इन्वेंट्री इनके पास पड़ी भी है। अमेज़न के पास 3 ओपन ऑर्डर्स भी हैं इनके पास जो अभी कैंसिल नहीं हुए। इसके अलावा अमेज़न ने इनसे जो है इन्वाइस मांगी, इन्होंने मुझे अपना केस बताया, मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि आपके पास दो की इन्वाइसेज हैं और तीसरे आपने जो है गलती से ही कर दी, बट अमेज़न इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता। अब यहाँ पे देखो मैंने ये सबमिशन की थी, एक ये सबमिशन की थी 8 मार्च को, बट इनका रिप्लाई आ गया था 2 दिन बाद, रिजेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि सबमिशन के लिए चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पे फिर मैंने सबमिशन की और यहाँ पे देखो इनको मैंने डॉक्यूमेंट्स दोबारा अटैच किए, सारा कुछ दे दिया, सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स लीगल थे बट एसेंस तो होते उसके। उसके बाद हमने यहाँ पे तीसरी सबमिशन के बाद लास्ट ट्राई की थी, 3rd या 4th थी ये, तो इसके अंदर मैंने क्या किया था, एक ही एसेंस का जो है उसकी दो एक इनवॉइस के दो हिस्से बना दिए, उसका एक को 1 दे दिया, एक को 3rd नाम दे के तीसरे एसेंस के साथ मैंने इसको जोड़ दिया था। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह इसके अंदर मैंने बताई थी, यहाँ पे आई थिंक मेरे पास PDF पड़ी हुई होगी फाइल, उसके अंदर मैंने यहाँ पे चीज़ अटैच की थी। देखो ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सॉरी ये तो ट्रांजैक्शन डिटेल आ गई, यहाँ पे देखो एसएन वगैरह ये एक फाइल तैयार की थी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हम PDF, ये आपकी इनवॉइस थी और इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायर्ड सप्लायर इन्फॉर्मेशन, ये देखना अभी पूरी तैयार की थी और अमेज़न इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ये मेरे हाथ की तैयार हुई है पूरी। ये देखो सारा कुछ, सप्लायर का नेम, लिंक, एड्रेस, उसके बाद ये पहली प्रोडक्ट, इस पर देखो ये पहला एसएन है आपके पास, ये आ रहा है, ठीक है। अब यही एसएन की डिटेल मैंने सारी जो है तीसरी इन्वॉइस में भी डाली, बट एसएन चेंज कर दिया। देखो ये डिटेल सारी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, बट अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास वो लेजिट आपके एसएन के साथ की चीज़ वो मैच नहीं हो रही, बट मैंने क्लाइंट को पहले कह दिया था अगर आपके पास इनवॉइसेस सेम है, आपने इस फॉर्मेट में इनको सबमिट करना है, हम लोग इसी फॉर्मेट में सबमिट करते हैं। ये मैंने कैसे शीट बनाई थी, ये मैंने बनाई थी आपके एक्सेल के अंदर जाके, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। आपने आना है इधर गूगल पे, आपने इधर आ जाना है शीट्स में, यहाँ पे आके आपने बनानी है और आपने इसको जो है PDF में डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने सबमिशन करनी है। हमने काफ़ी सारे अकाउंट इस तरह रीओपन किए हैं, बट जब तक आप जो है इनको प्रॉपर वे में चीज़ नहीं सबमिट करोगे रिएक्टिवेट नहीं करेंगे। अब मैंने 3rd एसएन के साथ भी ये बना दी थी, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है अमेज़न के ऊपर, तो उसने रिजेक्ट कर दी थी। मैंने क्लाइंट को सारे पैसे रिफंड कर दिए थे सर्विस चार्जेस कट करके। बट अगर आप लोग इनवॉइस एक्सेप्ट कराना चाहते हो तो आपके पास पहली चीज़ है इनवॉइसेस होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं इनवॉइस किस तरह की है इनकी। ये देखो ये इनकी इनवॉइस ओपन हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये इनवॉइस है और मैंने सारे इसी का डाटा यूज़ करते हुए वो अपनी शीट बनाई है। तो अगर आपके पास इनवॉइसेस लेजिट है और आप सप्लायर से लेजिट सप्लायर लेके आप जो है अमेज़न में सबमिशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और
और आपका जो है अकाउंट भी रीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दिया था, इसके ऊपर मैंने दो से तीन दिन भी लगा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाली जो पीडीएफ जो मैंने बनाई थी वो अटैच की थी, बट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही क्लाइंट को भी बोला था कि यहाँ पे आपके पास तीसरी एसएन को अमेजोन रिक्वायर कर रहा है उसकी इन्वाइस को, बट आपके पास नहीं है। तो खैर, अगर आपके पास इन्वॉइसेस लेजिट हैं, लेजिट सप्लायर है और उसकी सप्लाई चेन ठीक है, अमेज़न आपसे यही तीन चार चीज़ें पूछता है, जिसमें आपका सप्लायर का नेम, उसकी वेबसाइट, उसका नंबर, उसका जो है एड्रेस, ये चार चीज़ें आपकी होनी चाहिए आपकी अपनी शीट के अंदर, तो अमेज़न आपका एक्सेप्ट करेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको चीज़ समझ आ गई हो, आपको जो है अपना तरीका, हाँ थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था इनको कि मैंने अपने चीज़ों के, क्योंकि हमें सम टाइम एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर बताया था डमी लिस्टिंग हमने कर दी थी इस वाले एसन की, और यहाँ पे हम दो की इनवॉइसेस जो हैं इसका हमारा कंसर्न है, तो हम इनकी इनवॉइसेस अटैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइसेस भी अटैच की थी, बट अमेजोन ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। देखो इनवॉइस वन और टू, और ऊपर देखो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों मैंने अटैच किए हैं, सिर्फ ऐसे चेंज कर दिया था। बट अब एक्सेप्टेबल नहीं है जो चीज़ अमेजोन पर, वो नहीं है अगर आपके पास लीगल नहीं है चीज़, और अगर आपसे इस तरह की गलती से हो भी जाती है तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता जी नहीं, हमें इनवॉइस चाहिए। हमने कॉल नाव पर भी 3 से 4 दफ़ा मैंने उनको ट्राई किया, बट उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम आपका अकाउंट नहीं रीएक्टिवेट करेंगे इनवाइसेस के बगैर। तो आपको जो है सारे लेजिट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं और दिखाए भी हैं, वो सारा कुछ होगा तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर किसी को सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग की अपील्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने पिछली वीडियो उसके ऊपर बनाई है, मैं उसका लिंक इसके अंदर अटैच कर दूँगा, आप जाकर वीडियो देख लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।